हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। और आज हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव हम कहते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में हम ये टर्म यूज करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एक ही प्लांट में जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है, एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, गैमेट्स का फ्यूजन या फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरह का अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ये टर्म हम यूज करते हैं, पेड़ों के लिए, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मतलब होने के लिए प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एक एक पेड़ होता है जिसे ब्रायोफिलम कहते हैं। उसकी लीफ कुछ इस तरीके से होती है ना, ऐसे बड़ी सी लीफ होती है, ब्रायोफिलम की ये मैं लीफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्रायोफिलम की लीफ है, अब ब्रायोफिलम की लीफ जो होती है, इसके साइड से, इसके मार्जिन से छोटे छोटे रूट्स निकलती हैं, और बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, या कह लीजिए बड निकलती है। तो जो इसका मार्जिन होता है इस लीफ का, ब्रायोफिलम की, यहां से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, छोटी छोटी बड्स निकलती हैं, ठीक है। ऐसे ये क्या है, एक तरह की बड है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं आपको एक बार दिखा भी चुका हूँ, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था जहां पे मैंने ब्रायोफिल्म की पार्ट्स आपको दिखाई थी, ठीक है। ये ब्रायोफिल्म की लीफ है। तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्लांट में ऐसा होता है जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीफ जो है वो एक तरह की वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, क्योंकि इसी के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये क्या होता है, द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू थ्रू विच वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लीफ जो है वो एक तरह की वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम अलग अलग तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, अलग अलग तरह के वो देखेंगे हम स्ट्रक्चर जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम डालते हैं रनर, एक सेकेंड। तो पहला, सबसे पहला है हमारे पास रनर, ठीक है। तो रनर में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी जमीन है, ठीक है, और इस जमीन से यहाँ पे एक प्लांट निकला हुआ है, कुछ इस तरीके से है, एक पेड़ है, ठीक है ये, और ये इस पेड़ की जड़ है, रूट्स हैं, ठीक। तो रनर में क्या होता है कि जो पेड़ होता है उसके एकदम नीचे से, यहां से एक ब्रांच निकलती है, एक सेकेंड, यहाँ से एक ऐसे ब्रांच निकलती है, और ये ब्रांच ऐसे ऊपर की ओर ऐसे सीधे जाती रहती है, जरूरी नहीं है सीधा, मतलब ऊपर की ओर ऐसे जाती रहती है। और कुछ टाइम बाद जब ये प्लांट, ये जो ब्रांच है ये कहीं पे छुएगी जमीन को, तो यहाँ पे एक नया पेड़ बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। और ये इसकी रूट्स निकल आई। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रनर, ठीक है, इसको हम रनर कहते हैं। जमीन को हम किसी और कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो रनर समझ में आ गया। रनर में क्या होता है कि नीचे से एक ब्रांच निकलेगी, और ब्रांच जो है ऊपर ऊपर जाती रहेगी, और जिस जगह पे वो जमीन को छुएगी वो ब्रांच, वहीं पे एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रनर हमारा। ये कहाँ पे देखा जाता है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ऑक्सैलिस में और दूब ग्रास में। दूब, दूब नाम की जो घास होती है आपने सुना होगा,
उसमें देखा जाता है। ठीक, तो ये रनर हो गया। आते हैं दूसरे पे जो कि है सकर। ठीक है, सकर में क्या होता है, सकर भी बना के देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा, यहाँ पे बनाते हैं इसे, यहीं बनाते हैं, ये जमीन है। ठीक है, और पेड़ हम मान लेते हैं वैसा ही है जैसे पहले था हमारा, इस तरह का एक पेड़ है यहाँ पे, ये इसकी रूट्स है पेड़ की। अब इस पेड़ से क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्रांच निकली थी वैसे ही इस पेड़ से भी ब्रांच निकलेगी, हालांकि ये जमीन के नीचे की ओर निकलेगी ऐसे, और ये जहां पे जमीन को छुएगी उसी जगह पे एक नया पेड़ बन जाएगा। तो रिप्रोडक्शन हो गया, और क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है इसी वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सकर कहते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको क्रिजेंथमम याद करना है, क्रिजेंथमम। ठीक है, ये याद रखना एग्जाम्पल आपको। तो ये रनर हो गया और ये सकर हो गया। एक तीसरा स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोलॉन। तो दो हमने पढ़ लिए, तीसरा है हमारे पास स्टोलॉन। स्टोलॉन में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी जमीन है। ठीक है, ऐसी हमारी जमीन है। ठीक, तो स्टोलॉन में क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है, कुछ इस तरीके का एक पेड़ निकला हुआ है, ये इसकी रूट्स हैं। तो स्टोलॉन में भी जैसे यहाँ पे ब्रांच निकली थी रनर और सकर में, वैसे यहाँ पे भी ब्रांच निकलेगी। हालांकि ये ब्रांच जो है कुछ टाइम तक तो हवा में रहेगी, एयर में, मतलब जमीन के ऊपर रहेगी, फिर उसके बाद ये नीचे आ जाएगी जमीन के, और जमीन के नीचे आकर फिर ऊपर यहाँ पे आएगी और यहाँ पे एक नया प्लांट बनाएगी। ठीक है, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम स्टोलॉन कहेंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, किस प्लांट में देखा जाता है, तो मिंट और जैस्मिन में ये स्टोलॉन देखा जाता है। ठीक, मिंट और जैस्मिन में। ठीक, तो रनर हो गया, सकर हो गया और स्टोलॉन हो गया, ये तीन आपने पढ़ लिए। हालांकि इतना एनसीईआरटी में दिखाया नहीं है, उसमें सिर्फ नाम दे दिए हैं, रनर का भी स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सकर का भी नहीं दिया है, स्टोलॉन का नहीं दिया है, सिर्फ नाम दे दिया है, तो उसमें समझ में नहीं आता है ना, जब तक आप देखें ना कि किस तरीके से होता है। अब तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफी आसान है, जैसे कि ट्यूबर हो गया। ट्यूबर जो है पोटैटो में देखा जाता है, जो पोटैटो बेसिकली जो आलू होता है वही ट्यूबर होता है। ठीक है, आलू कुछ इस तरीके से होता है और कुछ इस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नोड्स होते हैं, जिसको आप आईज कहते हैं। ठीक है, आंखें पोटैटो की, तो ये आईज हैं बेसिकली जो कि नोड होते हैं, इसी नोड से नया प्लांट निकलता है। ठीक है, तो ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो में होता है। इसका चौथा, पांचवे पे आ जाओ, पांचवा है ऑफसेट। ऑफसेट जो है ये, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ऑफसेट, ऑफसेट का भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है। मान लेते हैं ये हमारी जमीन है, ये जमीन है। ठीक है, तो ऑफसेट में क्या होता है, जमीन पे ही जो पेड़ होता है उसकी एक ब्रांच एकदम सीधे सीधे जाती रहती है, ये एक ब्रांच है। जो भी पेड़ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल लिख लेते हैं ऑफसेट का, पहले ऑफसेट के दो एग्जाम्पल हैं, पिस्टिया और वाटर हायसिंथ। तो मान लेते हैं जो वाटर हायसिंथ है इसकी ब्रांच है, पानी के अंदर रहता है ये, तो पानी के ऊपर, पानी के सरफेस पे ये एक ब्रांच है इसकी। ठीक है, वाटर हायसिंथ की, जो ऐसे सीधे के सीधे ऐसे डंडे की तरह रखी हुई है। ठीक है, और इसी ब्रांच पे क्या होगा, देखो इस ब्रांच पे क्या होता है, देखो इस ब्रांच पे क्या होगा, जगह जगह पे एक रूट का गुच्छा बेसिकली ऐसे निकलेगा और यहीं पे नया प्लांट बन जाएगा। तो ये एक नया प्लांट बन गया। ठीक, इस जगह पे, इस जगह पे फिर से ऐसे रूट का ऐसे गुच्छा निकला और नया प्लांट ऐसे बन गया, फिर इस जगह पे भी रूट का ऐसे गुच्छा निकला और नया प्लांट बन गया। तो ये क्या है, ऑफसेट है।
ठीक है, पिस्टिया और वाटर हायसिंथ में इसी तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑफसेट। 6 पे आ जाते हैं बल्ब। बल्ब जो है अनियन में देखने को मिलता है। अनियन में आपने देखा है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना अनियन का, ऐसे इसकी पत्तियां रहती हैं ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बल्ब। तो बल्ब से अनियन में होता है फिर राइजोम्स। राइजोम्स जो होते हैं देखने में रूट के तरह के होते हैं, ठीक है, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हालांकि इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है राइजोम से। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है। तो राइजोम्स पाए जाते हैं बनाना में एंड जिंजर। ठीक है, तो बनाना और जिंजर यानी केला में, और जिंजर को क्या कहते हैं, अदरक। अदरक और केले में आपको राइजोम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक और लिख लेते हैं लीफ बड, जो कि ऑलरेडी मैं बना के दिखा चुका हूं आपको। लीफ बड्स किस में होते हैं, ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम के लीफ में लीफ बड्स होती हैं। फिलम, ठीक है, तो ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, राइजोम हो गया, बस इतने ही। ठीक है, रनर, सकर, स्टोलॉन, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, राइजोम और लीफ बड्स, ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको हम कह क्या सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कह सकते हैं, क्योंकि इनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वाटर हायसिंथ आपने देखा है, इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, वाटर हायसिंथ भारत में क्यों लाया गया था, इसके फूल काफी अच्छे होते हैं देखने में। वाटर हायसिंथ के जो फूल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो इसी वजह से वाटर हायसिंथ को भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया। वाटर, बहुत ही मोटा चल रहा है ना इसको, 1 सेकंड रुक जाओ। वाटर हायसिंथ, तो जो वाटर हायसिंथ होता है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में, इंट्रोड्यूस्ड इन भारत, इसको भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल लीफ एंड फ्लावर्स, देखने में काफी अच्छा लगता है। ठीक है, इसी वजह से इसको इंडिया में ले आया गया। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरह का, है ना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि तेज होता है काफी, तो जो वाटर हायसिंथ होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फैलता है, और ये तेजी से फैल जाता है जहां पे भी लगता है, और ये लगता कहाँ पे है, पानी के अंदर जहां पे रुका हुआ पानी हो, जैसे तालाब हो गया, तो तालाब में आप इसका एक पेड़ लगा दीजिए और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे पूरा तालाब ये कवर कर लेगा। ठीक, तो इसको निकालना बहुत ही टफ हो जाता है। भारत फॉर इट्स ब्यूटिफुल लीफ एंड फ्लावर्स, इट ग्रोज इन स्टैगनेंट, इट ग्रोज इन स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, है ना, स्टैग स्टैगनेंट वाटर में ग्रो करता है, और वाटर में क्या करता है, वाटर से ये ऑक्सीजन को खींच देता है। ठीक है, क्योंकि पूरा वाटर के ऊपर फैल जाएगा, धीमे धीमे वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ठीक, इट ग्रोज इन स्टैगनेंट वाटर एंड, और वाटर को क्या करता है, एंड ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑक्सीजन को ये ड्रेन कर लेता है, या कह लीजिए खींच लेता है, जिससे कि वाटर वाटर में ऑक्सीजन जो डिजोल्व रहती है उसकी कमी हो जाती है। अब जो मछलियां होती हैं उसी डिजोल्व ऑक्सीजन के बेसिस पे जिंदा रहती हैं, वो उसी वो चाहिए उनको, है ना, जो मछलियां हैं या फिर जो भी और भी जो भी कीड़े मकोड़े जो भी हैं पानी वाले, उन्हें डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन रही नहीं गई, तो अब जो मछलियां होती हैं वो मरने लगती हैं। ठीक है, इट लीड्स टू डेथ, डेथ ऑफ फिशेस, जिससे कि फिशेस की डेथ हो जाती है। ठीक है, भारत में हर जगह इसको, मतलब काफी जगह पे इसको लगाया गया, लेकिन बंगाल में इसको बहुत ज्यादा लगा दिया गया। तो बंगाल में आप देखेंगे हर एक जो भी पॉन्ड रहते थे, जो भी तालाब रहते थे, उसमें ये फैल जा गया था,
और हर जगह मतलब ये देखने को मिलता था। और रिमूव करने से रिमूव नहीं होता था, क्योंकि आप मान लीजिए 100 प्लांट है एक तालाब में, आपने मान लीजिए बहुत ही मेहनत करके 90 प्लांट हटा लिए, तो जो बाकी बचे हुए 10 प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोडक्शन करके बहुत ही जल्दी तुरंत फैल जाएंगे, फिर से 100 प्लांट बना लेंगे। तो ये मतलब इसको रिमूव करना बहुत ही दिक्कत हो गई थी, नहीं हो पा रहा था। और ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। बंगाल में ये बहुत ही ज्यादा फैल गया, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर मतलब क्या होता है? टेरर मतलब होता है मतलब जिससे डर लगे, आतंक है ना जिसे कहते हैं। तो बंगाल में पूरा इसने आतंक मचा के रखा था, ये हर जगह हर एक जो पॉन्ड रहते थे उनमें फैल जाता था, और लगातार इसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत ही ज्यादा ये फैल गया था। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया वाटर हाइसिंथ। अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो भी चीजें थी वो पढ़ ली। ठीक है, जैसे हमने पहले शुरुआत में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े और सारी चीजें, फिर और फिर उसके बाद हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ दिया। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही मतलब जरूरी है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है वो नीट में से हटा दिया गया है, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? तो दो बातें हैं, एक तो नीट में से नहीं हटाया गया, ये सीबीएसई में से हटाया गया है। हो सकता है नीट अपना वो निकाले, मतलब सिलेबस जो निकालता है हर साल, और उसमें ये चैप्टर दिया हो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर इसी तरीके से कई सारे चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो नीट में से अभी ये नहीं हटा है, आप ये नहीं कह सकते नीट में से हट गया, सीबीएसई में से हटा है। दूसरी चीज, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सही टॉपिक है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो अगला दो चैप्टर जो है उसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इन दोनों में आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, या फिर मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल करके समझाऊं, वैसे मैं समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये बेस बनाता है बेसिकली अगले दो चैप्टर का। तो इसी वजह से अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कितने लोग चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? दो लोग है ना, रिक्वायर्स टू पेरेंट, रिक्वायर्स टू गैमेट कह लो, या कह लो फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो मेल और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन, रिक्वायर्स फ्यूजन ऑफ मेल और गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, फ्यूज करना मतलब आपस में मिल जाना, उसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चे पैदा होते थे वो अपने मम्मी पापा से भी मिलते थे और आपस में भी एकदम सेम टू सेम रहते थे, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व हो रही, मेल और फीमेल, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो जो संतान आपकी बनेगी वो ना आपके तरह दिखेगी कंप्लीटली, ना ही आपस में एक दूसरे के तरह दिखेगी। ठीक है, तो जो बच्चे होंगे ना वो अपने भाई बहन की तरह होंगे, ना मम्मी पापा की तरह, ठीक, उनका मिक्सचर होंगे बेसिकली। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग्स, आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समान एक तरह का, तो वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ना ही पेरेंट्स के जैसे होते हैं, और सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब जो भाई बहन है उनके तरह, ना पेरेंट्स के तरह हैं और ना ही भाई बहन के तरह होंगे। ठीक है, ये है। दूसरी चीज मैंने बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी स्लो मतलब फास्ट प्रोसेस होती है, एसेक्सुअल वाला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस होती है, जैसे ह्यूमन की बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद काफी ज्यादा मतलब उसमें डिटेल प्रोसेस है, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये चीज पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज स्लो प्रोसेस, धीमी प्रोसेस होती है, इतना तेज रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है जितना तेज एसेक्सुअल वाला होता है। ठीक है, इट इज स्लो, स्लो प्रोसेस है पहली बात, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही आसान था, आप देख रहे थे बाइनरी फिजन में क्या हुआ था, एक अमीबा टूट के दो बना लिया, बहुत ही आसान था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एंड एलेबोरेट, एलेबोरेट मतलब होता है विस्तृत प्रोसेस, कई सारे स्टेप्स यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, एलेबोरेट प्रोसेस, तो ये एक विस्तृत प्रोसेस है, मतलब
एकदम मतलब आराम से होगी, धीमे धीमे, और कई सारे स्टेप्स इसमें होंगे, ठीक है। तो ये एक स्लो प्रोसेस होती है, धीमी होती है सेक्सुअल एसेक्सुअल के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, जो हमारी लाइफ होती है, अगर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो हमारी लाइफ में तीन पड़ाव आते हैं। एक पहला पड़ाव होता है जो कि हम बचपन कहते हैं, जहां पे हम रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है, हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा पड़ाव आता है जब आपकी मैच्योरिटी आती है, जब आप मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव वाला पीरियड आता है, मतलब जिस पीरियड में आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और फिर एक ओल्ड एज आता है, बुढ़ापा आता है, उस पीरियड में भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से, रिप्रोडक्शन के हिसाब से हमने लाइफ को तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फेजेस ऑफ लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। रिप्रोडक्शन के हिसाब से लाइफ में तीन फेज हैं। एक को कहते हैं हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब रिप्रोडक्शन से पहले जो है, एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जिस टाइम पे हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और एक को कहते हैं हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट मतलब होता है बाद में, ठीक है, प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो रिप्रोडक्शन के पहले वाली फेज, रिप्रोडक्शन वाली फेज, और रिप्रोडक्शन के बाद वाली फेज, ठीक है। जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, इसके बारे में आपको एक चीज याद करनी है। जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, इसी फेज को हम एनिमल्स में जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल मतलब होता है नाबालिग, है ना। तो एनिमल्स में हम जुवेनाइल फेस कहते हैं इस फेस को, और प्लांट्स में इसी फेस को हम सॉरी वेजिटेटिव फेस कहते हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया था आपको वेजिटेटिव टर्म किसके लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए, ठीक है, वेजिटेटिव फेस। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेस एनिमल्स में जुवेनाइल फेस कहते हैं हम उसको, प्लांट्स में हम कहते हैं वेजिटेटिव फेस, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेस जिसमें हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेस को हम क्या कह सकते हैं, बुढ़ापा कह सकते हैं ऑब्वियसली, तो इसको हम सेनेसेंस कह सकते हैं। सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब होता है बुढ़ापा, जिसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं। दोनों एक ही मतलब है, ओल्ड एज कह लो या फिर सेनेसेंस कह लो, ठीक है। ओल्ड एज थोड़ा आसान है, सेनेसेंस फालतू डाल दिया गया है ना, लेकिन क्योंकि नीट में पूछा जा सकता है ये वर्ड, तो इसी वजह से याद रखना। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होती है, ये सेनेसेंस होती है, यानी बुढ़ापे वाली फेज होती है। अच्छा, कैसे चेंज होती है एक फेज दूसरे में, जैसे क्या होता है हमारी बॉडी में जिससे कि हम प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव वाली फेज में आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव वाली फेज से फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं, ऐसा क्या होता है? तो एनसीईआरटी दिखता है ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं वो ट्रांजिशन को कंट्रोल करते हैं। ट्रांजिशन मतलब चेंज, यानी एक फेज से दूसरे फेज में जो चेंज होता है वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस में जो ट्रांजिशन होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। और कैसे होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे भी अगले चैप्टर में। जैसे आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं उस हिसाब से चेंज होता है डिफरेंट फेजेस में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मैमल्स की, ठीक है, तो मैमल्स में जो फीमेल मैमल्स होती हैं, ठीक है, जितने भी फीमेल मैमल हैं उनमें रिप्रोडक्शन के समय एक साइकिल चलती है, एक साइकिल चलती है जो कि लगातार रिपीट होती रहती है। जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेस है तब तक वो साइकिल चलती रहती है, ठीक। उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल वाली मैमल जो होती हैं, मतलब जिसके अंदर प्लेसेंटा पाई जाती है, ऑब्वियसली सारे मैमल के अंदर प्लेसेंटा होती है, ठीक है। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटा क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। छोटी सी पन्नी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेबी रहता है, ठीक है, जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर, इसी प्लेसेंटा के अंदर रहता है, ठीक।
तो जो फीमेल होती है प्लेसेंटा मैमल के, सो साइक्लिकल चेंज चेंज साइक्लिकल चेंजेस, साइक्लिकल मतलब रिपीट होते हैं ये चेंजेस, ठीक है, इन रिप्रोडक्टिव फेज फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में ये साइक्लिकल चेंजेस करती हैं। और ये जो साइक्लिकल चेंजेस हैं ये दो तरह की हैं, जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेटा है हमारा ऑर्डर है, ठीक है, तो जो प्राइमेटा वाले मेंबर्स होते हैं उनको प्राइमेट्स कहते हैं, जैसे हम भी प्राइमेट्स में आते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं प्राइमेट्स में आते हैं, तो जो प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर हम इस साइकिल को ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या एस्ट्रल साइकिल होती है, ये प्राइमेट या फिर नॉन प्राइमेट के हिसाब से, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स में ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, वो भी अगले मतलब आने वाले चैप्टर्स में, अभी नहीं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में चलती है, ओएस्ट्रस साइकिल जो है नॉन प्राइमेट्स में चलती है, और ये साइक्लिकल चेंज है, मतलब ये लगातार चलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, इस टाइप से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिटेल में घुसेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफी चीजें पढ़ेंगे, और ये लेक्चर जो अगला होगा या फिर ये वाला भी लेक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एक आपका बेस बनाता है, ठीक है, अगले दो तीन चैप्टर के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे कई चीजें पढ़ेंगे, काफी चीजें कि कैसे होता है ये, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट कर देना, और कमेंट में मैं बता दूंगा, ठीक है, या फिर कुछ भी आपको बताना होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा।